व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? फ्री टाइम में I prefer to sleep actually. Okay, that's the best thing we can do. मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि विगत 9 वर्षों में इसके माध्यम से 2,00,000 से अधिक युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने में सफल रही है। जोहार, वेलकम टू द छोटा नागपुर डायरी, जहां आज हम कम्युनिटी कॉमर्स के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मिलने वाले हैं, एसोसिएटेड विद इंडस वीवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड। वैसे तो ये केरला से बिलोंग करते हैं, मगर झारखंड अब उनका सेकेंड होम बन चुका है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम चलते उनसे बातचीत करने। जोहार जोहार सर। जोहार जोहार मैम। Today we are going to meet an inspiring and successful entrepreneur in community commerce, Mr. Vipin Chakosa, and we are really glad to have you in the Chhota Nagpur Diary. Thank you very much, ma'am. Pleasure is all mine. So, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर and community commerce के बारे में बहुत कुछ हम जानने पाएंगे. So, I'm really excited आपसे बहुत सारी बातचीत करने के लिए. So, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो जर्नी था वो कैसा रहा, एज यू आर फ्रॉम केरला एंड झारखंड में आपने अपना करियर जो कम्युनिटी कॉमर्स में स्टार्ट किया, सो हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम द बिगनिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड सी बेसिकली आई एम फ्रॉम केरला, है ना। मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया फ्रॉम अन्ना यूनिवर्सिटी। लेटर ऑन एक एक कंपनी में काम करते करते ऑलमोस्ट लाइक 5 ईयर्स मैं आईटी कंपनी में काम किया था। उससे पहले मैंने जो बेसिक सॉफ्टवेयर कोर्सेस हैं वो सब कंप्लीट किया था, क्योंकि उस टाइम में आईटी वाज द ट्रेंड, है ना। तो सभी लोग उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलने का चांसेस है, तो सारे लोग उसमें जा रहे थे। तो आई चेंज माई ट्रेड और उसमें गया। देन 5 साल आईटी में था एंड उसके बाद सडनली एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पर मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ा कि अब तो कुछ नया करना है। द मेन थिंग वाज लाइक सी एक कॉर्पोरेट कल्चर में, एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अगर आपको रियली ग्रो करना है एंड इफ यू आर वेरी एम्बिशियस और उस लेवल पर आपको ग्रो करना है, तो सिर्फ हार्डवर्क और टैलेंट से नहीं होता है, विच इज वेरी फैक्ट, है ना। यू शुड नो अबाउट द पॉलिटिक्स, आपको कुछ ऐसा चीजें करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे उन सबको हटाना पड़ेगा, देन ओनली यू विल रीच ऑन द टॉप। बिकॉज टॉप जाते जाते आप चेक कीजिए वहां पे पोजीशंस बहुत कम रहते हैं। एंड द अदर साइड इज जब आप उसके फ्यूचर देखते हैं तो एक जॉब में आपको उतना फ्यूचर नहीं दिखता है, है ना। अल्टीमेटली इट इज अ रैट रेस, है ना। इवन इफ यू बिकम द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, यू विल स्टिल बी एन एम्प्लॉय, राइट। सो जॉब आपको एक बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए देता है, लेकिन ऑफकोर्स जॉब आपको डिसिप्लिन सिखाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड आपको टाइम का वैल्यू सिखाता है, बहुत सारी चीजें सिखाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चेक करोगे तो जॉब इज नॉट आपका ड्रीम्स कभी उसको फुलफिल करने के लिए इट इज नॉट पॉसिबल एंड ऑल दोस थिंग्स ना। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड कुछ अपना करना चाहिए, है ना, क्योंकि आपका पोटेंशियल और आपका इनकम इट शुड मैच। सो मैंने रिसर्च किया एंड आई केम टू नो अबाउट अ वंडरफुल इंडस्ट्री दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री, दैट्स अ हेल्थ इंडस्ट्री, जिसका आंकड़ा बताता है कि इट इज गोइंग टू बी अ $1 trillion इंडस्ट्री, है ना। और बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिस्ट लोगों ने इसके बारे में प्रेडिक्ट किया है। सो आई थॉट ओके आई विल गो टू अ हेल्थ इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री। देन आई सर्च फॉर द बेस्ट कंपनी, फाइनली आई केम अप एंड अप विद इंडस वीवा, क्योंकि उस टाइम का सबसे बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी, प्रीमियम क्लास आयुर्वेदिक कंपनी, और उसका ग्रोथ रेट भी उस हिसाब से चल रहा था। और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं था एंड
I started working with this company and right now it is almost like 8+ years. और बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि हेल्थ सब लोगों को चाहिए, एवरीबॉडी नीड्स एन हेल्थ. सो ये इंडस्ट्री कभी भी जाएगा नहीं, बिल्कुल है ना. एंड ये आयुर्वेदिक है ना, ये आयुर्वेदिक, इट्स आयुर्वेदिक कंप्लीटली. हम लोग का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इट्स अ प्रीमियम क्लास आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स. सो इट इज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट, क्लिनिकली ट्रायल्ड प्रोडक्ट. आयुर्वेदा एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका एक कॉम्बिनेशन है. वंडरफुल, काफ़ी कुछ हमें पता चला आपके जर्नी के बारे में भी एंड इंडस वीवा के बारे में. हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कॉर्पोरेट सेक्टर से आप इस बिजनेस में आए, सो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब दे वेर हैप्पी, सपोर्टिव? और एवरी फैमिली एक्चुअली, हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम में आप चेक करो, शुरुआत से ही हम लोगों को यही बोला जाता है कि अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा मार्क लो, अच्छा जॉब मिलेगा. टेंथ तक हम लोग उसी में करते हैं, ट्वेल्थ तक वही करते हैं, कॉलेज करते हैं, है ना, एंड वी गो इनटू सम प्रोफेशन. सो मेरे को, मैं ये सारा कंप्लीट करते करते ना, इट वाज लाइक फैमिली जैसी बोल रही है वैसा जिंदगी था. अच्छा जॉब मिला, अच्छा सैलरी मिल रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. बट द मोमेंट जब मैं अपना डिसीजन लिया और मैंने अपने फैमिली को बोला, तो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता है, है ना, बिकॉज दे फील कि हम लोग सेटल्ड हैं. बट बाहर से जैसा दिखता है वैसा नहीं है, है ना. तो फैमिली, रिलेटिव्स, एंटायर लोग, मम्मी, सब लोग दे वर वेरी अगेंस्ट, है ना. क्योंकि लोगों का कहना है कि ऐसा एक जॉब कैसे छोड़ रहे हो, कितने सारे लोग बिना जॉब के चल रहे हैं और तुम्हारा अभी करियर शुरुआत हुआ है, तो इट इज नॉट अ राइट टाइम. तो बेसिकली मेरे को ज्यादा लोगों को कन्विंस नहीं करना था, बिकॉज मैं अपना लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से उस तरह से जीता हूँ. सो मॉम को कन्विंस करना था ऑब्वियसली, एंड फैमिली मेंबर्स जो है उन लोगों को कन्विंस करना था. तो मैं उनको कन्विंस करने का एक ही टैक्टिक्स यूज किया. मैंने बोला कि आई टेक 1 ईयर. तो जब आप एक टाइम पीरियड रखते हैं ना, अगर आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है, अगर आपको अपने मन से कुछ करना है ना, सो दिस इज द बेस्ट थिंग, है ना. आप एक टाइम पीरियड रखो ताकि वो लोग भी कन्विंस्ड हो जाएं, है ना. वो लोगों से बोलो कि दिस इज द टाइम, और इसमें मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वी विल गो टू द नेक्स्ट एंड वी विल सी नेक्स्ट. सो दैट इज हाउ आई कन्विंस्ड, एंड दे सेड ओके 1 ईयर. और वो लोग श्योर थे कि 1 ईयर में कुछ होने वाला नहीं है. चलो इसकी बात, ये लौट के वापस ही आएगा. तो फैमिली में यही है, लेकिन इट्स नाइस कि मतलब इस तरह से आपने प्रूव किया, एंड आई थिंक उसके बाद तो फिर आपको कुछ एक्सप्लेन ही करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी. नहीं सी, ऐसा नहीं है. व्हेन आप जब शुरू करते हैं, ओके 1 ईयर का टाइम पीरियड आपने लेकर आपने शुरू किया, बट देन ऑल्सो ना देयर इज ऑलवेज ए स्ट्रगलिंग पीरियड, है ना. आपको सर्वाइव करना ही है ना. ओके 1 ईयर में आप एक ग्रोथ दिखा सकते हैं, इट इज गुड, बट 1 ईयर से कभी भी यू आर नॉट गोइंग टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन. इट विल टेक 1, 2, 3 मे बी 4 or 5 years, है ना. उतना टाइम लगता है आपको एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको एक एंटरप्रेनर बनने के लिए. इट टेक्स टाइम, है ना. नथिंग इज लाइक क्विक मनी, ऐसा नहीं होता है. धीरे-धीरे लर्न करके सब चीज़. देयर आर, आप कोई भी बड़े बिजनेसमैन या बड़े एंटरप्रेन्योर्स को चेक कर लो, उन सब लोगों का एक स्ट्रगलिंग पीरियड है, और वो स्ट्रगलिंग पीरियड आपका बेस बनाता है, है ना. वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको स्ट्रांग बनाता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, राइट. सो इट इज देयर. तो अगर आप शुरुआत में कुछ चेंजेस दिखा सकते हैं, देन यू कैन एक्सटेंड दैट 1 ईयर टू 2 ईयर टू 3 ईयर, अब और एक साल लाइक दैट. हाँ ठीक है, वेरी नाइस. तो आपके एजुकेशन के बारे में क्या हम जान सकते हैं? लाइक या मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, देन आई केम टू आईटी सेक्टर. उससे पहले मैंने कुछ कंप्यूटर कोर्सेज किया था, लाइक CCNA, CCNA, सारा मतलब आपका केरला में ही हुआ. हां हां, ओके. आई डिड फ्रॉम कोचीन, एंड उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वहाँ से मैंने काम शुरुआत किया था. एंड देन आई केम टू मैकफी, फिर इन्फिनिट कंप्यूटर सॉल्यूशंस, एंड उसके बाद वी केम टू IBM, देन फाइनली वी गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट. तो माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज 8 के एस्केलेशन डिपार्टमेंट में था मैं, एज ए सीनियर इंजीनियर मैं काम कर रहा था, एंड ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर्स मैं वहीं पर ही था.
नहीं, बहुत अच्छा जॉब था, तो ऑब्वियसली घर वाले तो टेंशन में रहेंगे कि यहाँ ये जॉब छोड़ के जा रहे हैं, आगे क्या होगा. ओके, तो वी वुड लाइक टू नो अबाउट इंडस वीवा, एंड हमारे व्यूअर्स को भी शायद ये जानने में अच्छा लगेगा कि व्हाट इट इज़, एंड मतलब सारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल है, एंड क्या फैसिलिटीज है इसमें. सो राइट, सो इंडस वीवा हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम. हम लोगों ने शुरुआत किया था 2014 को, है ना. एंड कंपनी का चेयरमैन मिस्टर अंसार सर एक न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन करते आ रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से. एंड कंपनी का सीईओ मिस्टर अभिलाष थॉमस, वो भी मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या फिर कम्युनिटी कॉमर्स में एक जाने माने नाम है. तो उन लोगों ने शुरुआत किया था इंडस वीवा हेल्थ साइंसेज. सो इंडस वीवा हेल्थ साइंसेज बेसिकली बनाती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, है ना, और फंक्शनल हेल्थ बीवरेजेस बनाती है. इट्स अ एडवांस न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बोल सकते हैं या एडवांस हेल्थ बीवरेजेस बोल सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. और सारा जो प्रोडक्ट्स है वो हर्बल एक्सट्रैक्ट के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है. और हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इन तुमकुर, बैंगलोर में. तुमकुर में है, नेलमंगला में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर हमारा सारा प्रोडक्ट्स बनता है. और हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्लस हमारा खुद का कल्टिवेशन है, इवन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है जहाँ पर हम लोग ये आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं. कुछ इंग्रेडिएंट्स हम लोग बाहर से भी मंगाते हैं. सो बेसिकली अभी सारे लोग हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं, है ना. आफ्टर कोविड लोग हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सारे चीजों का प्रॉब्लम क्या है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है. सो बेसिकली हम लोग डील करते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट्स में. हमारे टोटल 6 प्रोडक्ट्स हैं, है ना. सो 600,000 प्रोडक्ट्स नहीं है. और ये सारे प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए तो ये सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और प्रीमियम क्लास आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, है ना. और ये आपका स्किन रिलेटेड और आपका ब्लड रिलेटेड सारे इश्यूज में काम करता है, है ना. तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे तो पूरा दिन चला जाएगा. सो मैं एकदम ब्रीफ करता हूँ. सो आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इज आईपल्स. आईपल्स बोलकर एक प्रोडक्ट है जो आपका हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है. Okay. आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रखता है, आपका प्लेटलेट काउंट बढ़िया रखता है, आपको आपका बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन आपको बचाता है. सो ओवरऑल आपका इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, है ना. सो दैट इज आईपल्स. एंड उसका मेन इंग्रेडिएंट असाईबरी नाम का एक फ्रूट का एक्सट्रैक्ट है जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं. सेकेंड जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज आई कॉफी. आई कॉफी आपका शुगर मैनेजमेंट के लिए काम करता है, है ना. बॉडी का जो शुगर है उसको या फिर जो ग्लूकोज है उसको मैनेज करने में मेंटेन करता है. तो एक कॉफी के फॉर्म में है, है ना. तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स इट इज वेरी टेस्टी, क्योंकि लोग आयुर्वेदा बोलते हैं ना, सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि कड़वा होगा कैसे यूज कर सकते हैं, एंड ऑल, बट इट इज वेरी टेस्टी. और ये आपका घर का जो लाइफस्टाइल है उसका पार्ट बन सकता है. तो आईपल्स भी एक जूस है, आपको 30 ml मॉर्निंग 30 ml इवनिंग लेना है. इट्स अ वेरी डिलीशियस टेस्टी एंड अच्छा फ्रेग्रेंस भी है. उसी तरह से आई कॉफी. तो आई कॉफी हम लोग कूर्ग का मतलब इंडिया का बेस्ट कॉफी वहां से होता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कॉफी. तो कॉफी के साथ हम लोग कुछ आयुर्वेदिक जैसे सलेशिया रेक्टिकुलेटा है, ये सारा चरक संहिता से लिया गया है ना. इसका सारा जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है वो चरक संहिता से लिया गया है. सो उसका एक्सट्रैक्ट डालकर हम लोग ब्लेंड करते हैं और उस ब्लेंड से तैयार होता है आई कॉफी. अगेन वेरी टेस्टी. एंड सुबह एक कप कॉफी, शाम को एक कप कॉफी, यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज. और आप अगर बॉर्डर लाइन में है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं. और अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो ऑफकोर्स यूज करना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में डायबिटीज ना हो. देन वी गॉट समथिंग कॉल्ड आई केयर. आई केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है दैट इज स्पेशली मेड फॉर लेडीज. सो इट इज स्पेशल लेडी ड्रिंक एंड आई केयर बोलते हैं इसको. इसका पीच एक पीच फ्लेवर्ड है, वेरी टेस्टी अगेन. और इसका इंडस वीवा का दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है. वन इज इसका क्वालिटी. इसका क्वालिटी एकदम उम्दा है, एकदम फर्स्ट लेवल का है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है इसका, है ना. इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स 23 कंट्रीज में जाते हैं इंक्लूडिंग यूएसए. हमारे प्रोडक्ट्स मैंने जैसे बताया पेटेंटेड है, ऑन द सेम टाइम प्रीमियम क्लास आयुष सर्टिफाइड है, एंड ऑन द सेम टाइम इवन USFDA अप्रूव्ड है ना. सो क्वालिटी इज गारंटीड. सेकेंड चीज है इसका टेक्नोलॉजी, दैट इज बायो एक्टिव जापान से हमारी सिस्टर कंपनी है और उनका रिसर्च R&D यूज करके ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है.
एडवांस प्रोडक्ट है, एडवांस साइंस एंड हमारे इंडियन आयुर्वेदा दोनों का मिक्स करके हम लोग ये तैयार किए। इंडस विवा इज एन इंडियन कंपनी और हम लोग भी बोलते हैं ना कि मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट, सो वी बिलोंग टू दैट एंड इट इज गिविंग अ हेल्प फॉर मेनी पीपल। इंडिया इज ऑलरेडी रिच इन हर्ब्स एंड आयुर्वेदा, सो सब इंडिया से ही आयुर्वेदा बाहर गया है। सो इंडिया एंड चाइना दे आर द मेन सोर्स ऑफ आयुर्वेदिक थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो जितने लोग भी इसे कंज्यूम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो जैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, जैसे अगर कोई इज नथिंग लाइक दैट, सी हम लोगों का ऑनलाइन से होता है। देयर आर हम लोगों के बहुत सारे वीआरस हैं, वीआर रिटेलर्स हैं, तो दे ऑल गॉट दिस ऑनलाइन लिंक है ना। कोई भी ऑनलाइन लिंक से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं बाई ऑनलाइन। जैसे आप इसमें ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे ऑर्डर करते हैं तो उसी तरह से आप भी लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। यू नीड टू गेट अ लिंक, लिंक पे क्लिक करना है आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, यू कैन टेक दोस प्रोडक्ट्स एंड ऑन द सेम टाइम आप अपना पेमेंट कीजिए। प्रोडक्ट एक 3 to 4 days के अंदर, 3 to 4 working days के अंदर आपके घर में आ जाएगा। तो आप झारखंड कैसे पहुंचे, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम केरला आप कैसे यहाँ पर आए एंड चैलेंजेस आपको कुछ फेस करना पड़ा क्या, लैंग्वेज बैरियर्स एंड जो भी? झारखंड मेरे ख्याल से इट्स अ डेस्टिनी है ना, मतलब इट्स अ गॉड्स वर्क जो मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं झारखंड आऊंगा या ईस्ट इंडिया में आकर मैं अपना काम शुरू करूंगा। And see, our plan is different, but God is having a different plan right? for us. So, मैंने शुरुआत किया था, जब मैंने शुरुआत किया था, so I was totally, क्योंकि ये मेरा एक ऐसा opportunity था, जिसमें मेरे को success होना, that is very important. तो बोलते हैं ना कि कुछ game हम लोग सिर्फ जीतने के लिए करते हैं, है ना? So वैसा वाला एक thought process था। तो मैंने अपने mentor, Mr. अभिलाष जी मेरे mentor हैं, अनिश जी one of my mentor. तो इनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि विपिन द फर्स्ट थिंग इज लाइक अगर आपको कोई भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो आपका फोकस कंप्लीटली उस पर रहना चाहिए, है ना। आपका फोकस कहीं पर भी इधर उधर गया तो वो टाइम पीरियड जो आप सेट करते हैं जिसके अंदर आप वो जगह पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। तो फोकस सेट करना है एंड सेकेंड चीज बस आपका कम्फर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, राइट। सो जॉब तो मैंने रिसाइन कर लिया है ना, लेकिन ये चीज कैसे करना है करके तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था। तो उस टाइम में अनिश जी ने मेरे को एक कांटेक्ट दिया, बोला कि दिस इज वन पर्सन, उनसे मैं ऑलरेडी बात किया हूँ, ही इज फ्रॉम जमशेदपुर और ही इज रेडी टू स्टार्ट द बिजनेस। तो मैं उनसे मिलने के लिए झारखंड में आया, उनके थ्रू मैंने बहुत सारे लोगों से मिला एंड इनिशियली यू नो ऑल द मार्केट रिजेक्शंस वगैरह मिलता है क्योंकि नया कंपनी नया प्रोडक्ट्स लोगों तक एक्सेप्टेंस पहुंचाना इसका रिजल्ट दिखाना इट इज टफ। तो कहीं ना कहीं वो टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड था, बट आदमी को वो मैच्योर बनाता है। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा खूबसूरती चीज ये है कि हम अपने जैसे 100 लोगों को बना सकते हैं एंड उसके लिए आपको कोई एजुकेशन बैकग्राउंड का जरूरत नहीं है, ना ही आपको बड़ा डिग्रीज का जरूरत है, ना ही आपका बैकग्राउंड आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो सारा कुछ नहीं देखा जाता है। इट इज ऑल अबाउट योर पैशन। सो एक एक आदमी के एक एक वजह है ना अपने जिंदगी को बदलने के लिए। सो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, सो वट एवर इट इज, लेकिन उन लोगों के साथ एक कमिटमेंट बन गया, भाई हम हैं तुम्हारे साथ, है ना। और वो कमिटमेंट और उन लोगों का एक्सपेक्टेशन और उन लोगों ने जो प्यार दिया है ना, उन लोगों ने जो अपने अपने साथ रखा और वही चीज बांध दिया यहाँ पे, है ना। तो इट वॉज नॉट ईजी सभी चीज को छोड़कर जाना, बिकॉज देन हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं यार सही में मेरा जिंदगी इतना बदल गया है, है ना। तो ये लोग भी वैसे ही बदलना चाहते हैं तो लेट्स डू इट, है ना। तो वही चीज से मैं झारखंड में शुरुआत किया, 3 साल 4 साल हुआ, देन मेनी पीपल केम, अच्छे फ्रेंड्स बने, अच्छे दोस्त बने, मतलब इवन हमारे क्या बोलते हैं जो रियल ब्लड रिलेशंस हैं उससे भी बड़ा रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि झारखंड इज अ प्लेस लाइक दैट। झारखंड में लोग बाहर से जो भी लोग आते हैं उन लोगों को उतना क्या बोलते हैं अतिथि देवो भवा का रियल मीनिंग आपको झारखंड में मिलेगा, है ना। दे आर वेरी कनेक्टेड विद द नेचर एंड दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल एंड वो लोग कभी भी मिलावट नहीं करते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। क्योंकि मैं इंडिया पूरा घूमा हूँ, दिस इज वन ऑफ द प्लेस
जो हार्ट से इतना कनेक्टेड हो गया कि इसको छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर पाया है। फाइनली मैं देखो, मैं ये बिजनेस में आज के डेट में एज एन एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड रैंक पे हूँ, दैट इज आई हैव अर्न मोर देन करोड़ रुपीज, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। सो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये बिजनेस के थ्रू एटलीस्ट ये सारा चीजें जो मेरे को लाइफ में हासिल हुआ है, दिस इज फ्रॉम झारखंड एंड एंटायर ईस्ट इंडिया। ऑफकोर्स झारखंड से हमारा बिजनेस बंगाल में गया, झारखंड से हमारा बिजनेस ओडिशा में गया, झारखंड से छत्तीसगढ़ गया, झारखंड से असम गया, झारखंड से अरुणाचल गया, एवरीवेयर यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था। सो मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई मेरे जैसे एक 100 लोग, दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग, मेरे जैसे एक 100 लोग, मेरे जैसे एक 100 लोग जो एक बिजनेस में सक्सेसफुल हो, 1 करोड़ के ऊपर कमाए, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, दैट इज माई कमिटमेंट। एंड जब तक वो कम्प्लीट नहीं होगा, आई विल बी देयर। काफी इंस्पायरिंग रहा आपकी जर्नी एंड बहुत कुछ सिखाती है हमें, लाइक आपने जिस तरह से स्ट्रगल किया और एक अच्छा जॉब छोड़कर भी आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया एंड काफी अच्छा रहा है, और सब कुछ आपके कंपैशन एंड डिटर्मिनेशन से हुआ है। सो काफी कुछ हम सीख पाते हैं आपसे एंड हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो काफी सीरियस टॉक्स हो गए, अब थोड़ा सा एक गेम पार्ट होना चाहिए। तो आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है एंड यू हैव टू आंसर इट क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड? यस। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम वन कंपनी और पर्सन दैट इंस्पायर्स यू। बिल गेट्स। ओके, सो योर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? फ्री टाइम में आई प्रेफर टू स्लीप एक्चुअली। ओके, दैट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू। ओके, योर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट इज लाइक व्हाट हिडन टैलेंट है? बाथरूम सिंगर? नो, मैं एक अच्छा सिंगर नहीं हूँ, मैं एक अच्छा ये नहीं हूँ, बट आई ड्रॉ। ओके, मैं मतलब बचपन में, इवन कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम्स में मैं ड्राइंग स्केचेस अच्छा कर लेता था। सो योर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट ऑब्जेक्ट डू यू मिसप्लेस और लूज द मोस्ट? सबसे ज्यादा लूज होता है मेरा ईयरफोन, एयरपोड, जो कभी मतलब कभी भी मैं ओपन करता हूँ ना, उसमें दो नहीं दिखते, हमेशा एक दिखते ही रहते हैं। एक कभी सोफा के नीचे रहेगा, एक कहीं पे बेड में रहेगा, एक ऐसा ही रहता है। Okay, so last question. What is the kindest thing someone ever did to you? The kindest thing, agar dekha jaye to, see, many people have done a lot of things. They made a lot of impact. Bahut sare impacts mere zindagi mein create kiye hain, hai na? So the kindest thing, I think, there was a time, ek struggling time jo aapka rehta hai, hai na? And I still remember. उस टाइम में मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि वापस क्रिसमस के लिए, एक्चुअली इट्स अ क्रिसमस, क्योंकि आई एम ए क्रिश्चियन एंड केरला में हम लोग तीन पर्व मेनली मनाते हैं, दैट इज ओणम, ईस्टर एंड क्रिसमस। एंड क्रिसमस के लिए जाने का प्लान था, लेकिन उस टाइम में फाइनेंशियल टाइट इतना चल रहा था, एंड घर में पता नहीं है ना कि स्ट्रगल कैसे चल रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है करके, फैमिली को पता नहीं है। And that point of time, I pray to God ki kya 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 kare. So they were expecting me. Wo log expect kar rahe the ki aayega is baar ka Christmas, sab log milenge. Lot of planning was done, but hamara situation yahan par nahi hai aur hum bol bhi nahi paate. And at that point of time, one of the person from our company, unhone mere ko bola, tu kab aa raha hai karke. Bola, this is the situation. To unhone bola ki Vipin, ek kaam kar. I'm sending you the flight tickets. Because already it was like 23rd or 23rd kuch tha. And 23rd ko even aapko ek train ticket mila to bhi aap 26th ko aap ghar nahi pahunch paoge. At that point of time, suddenly a call aata hai and bolta hai, this person from the tour operator, wo log aapko call karenge, give your details. And this is my gift. For Christmas you, gift. For the Christmas karke. And that person na, actually, mere ko unse utna baatein nahi hui hai, mere ko unse utna attachment nahi hai, mere ko unse kuch utna expectation nahi tha, hai na? But
इट वॉज लाइक दैट ना, सो इट वॉज सो काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने ऐसा एक थॉट दिया, ओके ये बंदा बाहर है एंड ही वॉन्ट टू मीट हिज फैमिली, बिकॉज वो टाइम में मैं 3-3 महीने 4-4 महीने फैमिली को छोड़कर यहाँ पर रहता था, है ना। तो यहाँ पर आके रह के कभी धनबाद तो कभी हजारीबाग तो कभी बोकारो, वैसे काम चलता रहता था। तो ऑलमोस्ट लाइक 3-4 मंथ्स रेगुलरली मैं यहाँ पर था। तो दैट टाइम समथिंग लाइक ए गॉडली थिंग, लाइक एन एंजल एंड द काइंडेस्ट थिंग, एंड आई फील अगर आप साफ हैं, आपका इंटेंशन अच्छा है ना, जितने भी स्ट्रगल टाइम हो तब भी आपको कोई ना कोई इज देयर, है ना। और जो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल ऊपर वाला उसी को ही देता है जिसके बारे में एक बेहतरीन प्लान हो। सो किसी को भी स्ट्रगल्स हैं तो नो नीड टू वरी, गॉड इज हैविंग ए बेटर प्लान फॉर यू। एंड आपका जो भी उस टाइम में जो भी है ना, सम पीपल विल कम टू योर लाइफ एंड दे विल क्रिएट अ इंपैक्ट लाइक दैट। सो दैट वाज वन ऑफ द काइंडेस्ट थिंग समबडी हैव गिवन डन टू मी ड्यूरिंग दैट टाइम। सो विद दिस वी एंड हियर एंड रैपिड फायर भी कंप्लीट होता है। काफी मजेदार रहा। वेयर इज माय गिफ्ट हैम्पर? योर गिफ्ट हैम्पर आई थिंक यू विल गेट इट सून। सो इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड काफी मजा आया, मतलब सब कुछ जानकर। एंड काफी ये मतलब थोड़ा सा अलग ही चीज था जानने के लिए, और काफी लोग हैं जो नहीं जानते इस बारे में, तो बहुत अच्छी तरीके से हम कम्युनिटी कॉमर्स के बारे में जानने पाए। एंड काफी हेल्थ इश्यूज हैं अभी चल रहे हैं, कॉमन है लाइफ में, लाइफस्टाइल से, और काफी हम लोग इंडस वीवा का प्रोडक्ट्स यूज भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू एंड काफी अच्छा लगा। सो अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन द छोटा नागपुर डायरी एंड वी लव्ड टॉकिंग विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। Do not forget to like, share and subscribe the Chhota Nagpur Diary. Johar. Thank you very much. Johar.